हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि आपको एक अजर्शन दिया है, एक रीजन दिया है, अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अजर्शन कहता है ए ईच डी ब्लॉक सीरीज कंटेन्स 10 एलिमेंट्स। ये बिल्कुल सही बात है, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। रीजन में लिखता है द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स एज इन ईच डी सीरीज एंड ईच सीरीज डी ब्लॉक्स आर ग्रेजुअली फिल्ड अप। ये भी बिल्कुल ट्रू है। अब देखिए, एक बार समझते हैं कि जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसमें कितने पीरियड्स होते हैं? 7। और ग्रुप्स कितने होते हैं? 18। ठीक है, इन 18 में से दो ग्रुप होते हैं जो एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ठीक है, 6 ग्रुप्स होते हैं जो पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो कितना बचा? 18 में से 8 के 10, तो जो 10 ब्लॉक्स होते हैं वो आपके डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, डी ब्लॉक बना है 10 ग्रुप से। अब 10 ग्रुप मतलब डी ब्लॉक, किसी भी एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट कब कहेंगे? तब कहेंगे जब उसका जो डिफरेंशिएटिंग या लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डी ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। अब अगर मैं डी सबशेल की बात करूं, डी सबशेल आपके कितने होते हैं? 5 डी ऑर्बिटल्स कैरी करती है, ठीक है, 1 2 3 4 5। और ईच ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करने की होती है। इसमें भी 2 जाएंगे, इसमें भी 2, 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 ऐसे करके। तो अगर ग्रेजुअली अगर आपका डी ऑर्बिटल्स फिल होते हैं सो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10। और एक का एक एक करके अगर एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो एक नया एलिमेंट बनाएगा। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा अगर वो एक एक करके जाएगा तो वो क्या करेगा? एक नया एलिमेंट बनाएगा। यानी कि आपका जो एक सीरीज होगी डी ब्लॉक की, जो कि बेसिकली पीरियड में आएगी, तो वो कितने एलिमेंट्स कैरी करेगी? 10। बिल्कुल सही बात है। अब ये रीजन जो दिया है ना कि आपका एक डी ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकता है, तो ईच ग्रेजुअल, अब जैसे जैसे ग्रेजुअली एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक नया एलिमेंट आता जाएगा। सही एक्सप्लेनेशन दिया है रीजन में। सो यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।